गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार की रिपोर्ट। योगी सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर गिनाई उपलब्धियां। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। उक्त अवसर पर एमएलसी चंचल ने कहा कि हमारे मोदी जी की प्रेरणा से योगी जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने 4 वर्ष पूरे किए हैं। 4 वर्ष पूर्व प्रदेश में विकास नाम की कोई संस्कृति नहीं थी, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला था। चाहे वह विकास का कार्य, निर्माण का कार्य, कल्याणकारी योजनाओं का, नौकरी देने का देता हूं, तथा भी हमारे द्वारा विकास के कार्यक्रम किए जाएंगे। 4 वर्ष सरकार के पूरे होने पर इतने कम समय में कार्यक्रम के आयोजन के लिए जिला प्रशासन की सराहना की। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी विक्रम सिंह, तहसीलदार दिनेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी दिनेश मौर्य, लेखपाल धीरेन्द्र सिंह, भाजपा नेता रघुवंश सिंह मौजूद रहे। सरकार के 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और किन किन योजना के लाभ आपके माध्यम से गरीबों को देखिए, यहाँ कई नौजवान साथी हैं हमारे। आपको याद होगा बसपा की 5 साल की पूर्ण बहुमत की सरकार थी और 1 लाख से कम उन्होंने भर्तियाँ की। अखिलेश जी की भी 5 साल की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उन्होंने 2 लाख से कम भर्तियाँ की पूरे 5 साल में। और हम 4 साल में 4 लाख के ऊपर भर्तियाँ कर चुके हैं और एक भी दाग भर्तियों पे नहीं लगा है। ना हमने जात देखी है, ना धर्म देखा है। हमने जो जिस लायक था, जो योग्य था, उसको नौकरियाँ मिली। इतनी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में कभी भर्ती नहीं। आज किसानों के भुगतान में उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया। 4 साल में 40 लाख से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास दिए। 1 लाख से ज़्यादा बहनों की शादियों का कार्यक्रम हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बिजली, जो गाजीपुर जैसे पिछड़े जिले में कभी 12 घंटे रहती थी, कभी रात में, कभी दिन में ऐसे रहती थी, आज 22 घंटे बिजली रह रही है। कानून व्यवस्था आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से गाजीपुर तो अपराध, आप सब जानते हैं कि अपराध के मामले में गाजीपुर किस स्थान पे था। आज कोई गाजीपुर में अपराधी खुला नहीं घूम रहा है। कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है। स्कूलों की आप देख रहे हैं, स्कूलों का किस तरह से हम लोग कायाकल्प कर रहे हैं। अभी कोविड के बाद जैसे स्कूल खुले हैं, बच्चों को बेहतर पढ़ाई कैसे होगी, उस पर हम सरकार का फोकस है। और सिंचाई, किसानों को सिंचाई के साधन मिले, नहरों की सफाई का काम हो। जो हमारे पुरातत्विक मंदिर हैं, चाहे पुरातत्विक जो जगह हैं, उन्हें सजाने संवारने का काम हो। जो सड़कें हैं, आप देख रहे होंगे गाजीपुर में NH लगभग बन के कम्प्लीट है और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरीक्षण किया है, वो भी मुझे लगता है अप्रैल तक कम्प्लीट हो जाएगी। मेडिकल कॉलेज 70-80% बन गया है। मुझे लगता है कि 4 साल में जो गाजीपुर को मिला है और वो 70 साल में कभी गाजीपुर को नहीं मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो गाजीपुर को, उत्तर प्रदेश को दिया, वो 70 साल में नहीं मिला। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जनता का ऐसे ही आशीर्वाद रहा तो आने वाले 20 साल और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जो उत्तर प्रदेश विमानु राज से हमने उस आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसे बाहर निकाला, वो सबसे विकसित राज्य बनने का उत्तर प्रदेश का होगा। आज के कार्यक्रम में आप सब की